हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ विन ट्रेडर। आज मैं आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दिखा रही हूँ। मैं आपको ऑफलाइन दिखा रही हूँ NSE का, एंड मैं ऑनलाइन आपको दिखाती हूँ MCX का, एंड उसके साथ मैं फॉरेक्स का भी आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे आज ऑफलाइन मैं आपको दिखा रही हूँ एक्सिस बैंक एंड इन्फोसिस का चार्ट। मैंने दो चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, तो आज इसमें कैसे परफॉर्मेंस दिया मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये लाइव मार्केट होगा तो लाइव मार्केट रेट यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले होगा, एंड ये अभी जो रनिंग पोस्ट हमारे चल रहा है 8.1 है, एंड इसके साथ हमारे एक स्कैनर भी है, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक वर्शन आ रहा है, वो डायरेक्ट हमारा 10th वर्शन ही आएगा। तो इस अभी जो रनिंग पोस्ट हमारा 8.1 है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर के अप एरो बाय करने का सिग्नल है, रेड डाउन आरो सेल सिग्नल है, ये दोनों सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नल्स है। सिग्नल आते टाइम पे आपके स्क्रीन में एक पॉपअप मैसेज आएगा, एक अलर्ट मैसेज आएगा, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ आते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे बाई करना है, क्या रेट पे सेल करना है, इसी तरह के अलर्ट मैसेज आएगा, तो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। जब भी सिग्नल आ गया तो आज वो टाइम पे अलर्ट मैसेज आएगा, जैसे हमारा टारगेट अचीव होगा तो उसी टाइम पे अलर्ट मैसेज आएगा। एंड री एंट्री का भी सिग्नल आते टाइम पे, री एंट्री का एक तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, वो टाइम पे भी अलर्ट आ जाएगा, उसका टारगेट अचीव होगा तो उसका भी मैसेज आएगा। ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे भी हमें ये अलर्ट में मैसेज मिलेगा। तो जैसे ये ग्रीन कलर की अप एरो बाई है एंड रेड डाउन आरो सेल सिग्नल है, तो सिग्नल मिलने के बाद फर्स्ट हमें इसका कन्फर्मेशन चेक करना होगा। अगर बाई सिग्नल एक्टिव होगा तो फर्स्ट कन्फर्मेशन आप सीधे नीचे देखिए, प्राइस यहाँ पे बाई जोन करके लिखा हुआ आना चाहिए, प्राइस इन बाई जोन। सेकंड कन्फर्मेशन एरो के नीचे के जो बार है ना, वो कन्फर्मेशन बार है, वो बार का कलर ग्रीन आना चाहिए। ओनली दो ही कन्फर्मेशन हमें चाहिए, फर्स्ट एरो मिलना चाहिए, उसके बाद प्राइस बाय जोन एंड बार का कंडीशन, बार का कलर सेव आना चाहिए। ये दो कंडीशन ओके होगा तो डायरेक्ट हम मार्केट रेट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से सीधे नीचे देखिए आप, स्टॉप लॉस लेवल नीचे आ जाएगा, वो भी ट्रेलिंग है, एंड बाजू में टारगेट भी आ जाएगा, तीन टारगेट लेवल्स भी आ जाएगा। एंड जैसे टारगेट अचीव होने के बाद भी कंटिन्यू होगा तो सॉफ्टवेयर में री एंट्री ऑप्शन भी देते हैं। री एंट्री मीन्स सॉफ्टवेयर में एक नया एंट्री पॉइंट भी देगा, उसके साथ एक नया टारगेट, वो सिग्नल के हिसाब से, वो एंट्री पॉइंट के हिसाब से एक टारगेट भी देगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ये वेट है ना, वहाँ पर डिस्प्ले होगा। एंड उसमें भी री एंट्री में भी है ना, री एंट्री करने से पहले उस समय भी ये इंडिकेशन नीचे का कंफर्मेशन कंडीशन है ना, मैच होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक रेड स्टार जैसे आ रहे हैं, वो रेसिस्टेंस लेवल है, नीचे एक ब्लू स्टार्स आ रहे हैं, वो सपोर्ट लेवल्स है। एंड इसमें आप देख सकते हैं कैंडल में बीच में जो एक्स्ट्रा जो कलर्स फॉर्म हो रहे हैं वो साइडवे इंडिकेशन है। नॉर्मल हमारा कैंडल का कैंडल कलर रेड एंड ग्रीन है, तो रेड एंड ग्रीन के अलावा जो कलर्स आते हैं फोर कलर्स डिस्प्ले होगा चार्ट के अंदर, एक ऑरेंज कलर्स, लाइट ब्लू एमडी कैंडल एंड वाइट कैंडल्स, ये साइडवे इंडिकेशन दे रहे हैं। एंड इसके साथ हमारा स्कैनर भी है, स्कैनर में हम जो ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, इधर आप एक इधर आप NSE में ट्रेड करते हैं, MCX में या फॉरेक्स कॉमर्स, जो भी हम इसके अंदर ऐड करना है वो ऐड करके रख सकते हैं। तो उसमें किसी में भी कुछ सिग्नल आ गया तो इसी तरह इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन जैसे स्कैनर का इंडिकेशन है ना, तो उसमें भी हम ट्रेड करने से पहले आपको हमेशा चार्ट ओपन करके देखना चाहिए वेदर द सिग्नल डायरेक्ट। इसमें ना थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल देते हैं, डायरेक्ट एंट्री, री एंट्री एंड ट्रेंड लाइन यूज करके भी सिग्नल आते हैं। अभी इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर में यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, तो यहाँ पे अगर सिल्वर ओपन करते टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर में यहाँ पे एक्चुअली सुबह हमें सिग्नल दिया था, बाई सिग्नल हमें सुबह दिया था, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, अराउंड 600 पॉइंट्स मार्केट ऊपर है अभी, ऑलरेडी ऊपर गया। तो यहाँ पे अभी स्कैनर ने जो बाई दिया है ना, वो री एंट्री है, री एंट्री मीन्स ऑलरेडी हमारा डायरेक्ट एंट्री एरो आप चेक कीजिए, एरो ऑलरेडी हमें सुबह मिला 9:10 ऊपर, सीधे ऊपर का डैशबोर्ड चेक कीजिए, 63,156 में हमें बाय मिला था, टाइम इज 9:10, तो वो सिग्नल के हिसाब से तीनों टारगेट आ गया एंड 622 पॉइंट्स अभी मार्केट मीन्स प्रॉफिट में है। तो उसके बाद ये डायरेक्ट स्कैनर ने एक री एंट्री का ऑप्शन दिया है, ये री एंट्री है क्योंकि डायरेक्ट एंट्री ऑलरेडी सुबह से कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी जो स्कैनर ने दिया है वो री एंट्री है। एक्चुअली स्कैनर भी डायरेक्ट री एंट्री देगा, नहीं तो चार्ट इसी तरह चार्ट ओपन होगा तो चार्ट में भी इसी तरह री एंट्री सजेशन में री एंट्री लिखा हुआ आ जाएगा। समटाइम्स दोनों में अलग अलग री एंट्री मिलेगा, तो वहां पे अगर हम ट्रेड लेना तो री एंट्री के हिसाब से री एंट्री लेना तो री एंटर कर सकते हैं। एंड मैंने अभी दिखाया वो ये सिल्वर का लाइव मार्केट है, एंड
ये एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करते हैं. मीन्स एक ही सॉफ्टवेयर में आप MCX देख सकते हैं, NSE का कैश है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसीज, अग्री, कॉमिक्स, फॉरेक्स, ऑल मेजर फिनेंशियल मार्केट एक ही सॉफ्टवेयर में आ जाएगा. एंड इसके साथ मैंने फर्स्ट मैंने आपको ऑफलाइन दिखाया था एक्सिस बैंक, एंड इसमें मैंने इन्फोसिस भी ऐड किया. इन्फोसिक्स आज की आज हमें एक ही सिग्नल मिला है, वो ऊपर आप देख सकते हैं सेल सिग्नल 920 का एक सेल सिग्नल है 9475 पे. उसमें तीनों टारगेट आगे कंटिन्यू वही सेम सिग्नल पे कंटिन्यू चला था मार्केट, फुल डाउन ट्रेंड में था मार्केट. एंड ये जो स्ट्रैटेजी है ना, जो भी बाय सेल सिग्नल आने के बाद जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सेम जो फॉलो करती है, एरो मिलने के बाद जो कंडीशन मैच करते हैं ना, वो सेम सभी में वैसे ही आपको फॉलो करना चाहिए. विदर वो फॉरेक्स होगा, MCX होगा, NSE ऑप्शन, जो भी हम फॉलो करते हैं ना, वो सेम स्ट्रैटेजी है. जो सिग्नल आने के बाद जो कंडीशन मैच करना, वो सेम ही है. और ये मैंने अभी ओपन किया टाटा मोटर्स है. टाटा मोटर्स में भी हमें एक ही सिग्नल आज मिला है. ये जो व्हाइट वर्टिकल लाइन डे ब्रेकर लाइन है, तो उसमें हमें मिला है फर्स्ट बाय सिग्नल में मिला है. ऊपर आप देख सकते हैं बाय प्राइस ऊपर है, एंड टाइम भी है और डेट भी है. एंड स्टेटस में आप देख सकते हैं कितना टारगेट अचीव हो गया, वो भी डिटेल्स है. एंड लास्ट यहाँ पे एक री एंट्री का भी इंडिकेशन दिया था. री एंट्री 250 पे मिला था, टाइम 250, एंड इसका भी टारगेट अचीव हुआ था. तो इसमें हमें डायरेक्ट एंट्री भी मिलेगा, एंड कंटिन्यूशन होगा तो हमें सॉफ्टवेयर री एंट्री भी देगा. री एंट्री एक तो सिग्नल टारगेट अचीव होने के बाद भी कंटिन्यू चलेगा तो भी री एंट्री मिलेगा, नहीं तो कल का सिग्नल आज कंटिन्यू चलेगा. तो फॉर एग्जांपल अभी टाटा मोटर्स है ना, ये बाय ट्रेंड में मार्केट क्लोज होते टाइम पे बाय ट्रेंड में था. फॉर एग्जाम्पल कल भी अगर ये सेम सिग्नल कंटिन्यू चलेगा, मे बी ट्रेंड बाय ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो ये सेम सिग्नल कल भी कंटिन्यू चलेगा, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर हमें अगेन एक री एंट्री ऑप्शन देगा. तो वहाँ पर भी हम री एंट्री के हिसाब से री एंटर कर सकते हैं. एंड ये फॉरेक्स का एक पेयर मैंने ओपन किया है, यूरो यूएसडी है. एंड इसमें भी स्ट्रैटेजी सेम है, मैंने आपको बताया सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करना है. काफ़ी सिंपल है, सिग्नल आने के बाद जस्ट हमें कंफर्मेशन चेक करना है. कंफर्म होगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए. एंड मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो आप लाइव देखना चाहते हैं या इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. माई नेम इज़ गंगा, एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं. माई नंबर इज़ 9061973737. ये नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं. अदरवाइज आप हमारे वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं, www.wintradersoft.com. And thank you for watching my video.